कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में आज 22 विपक्षी दलों के नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी, अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेता, जिसमें शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा सहित लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद थे। हालांकि सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता इस बैठक में मौजूद नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने शुरुआती भाषण में ये कहा कि जिस उद्देश्य के साथ ये सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया था, वो उद्देश्य सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है और लग रहा है कि सरकार ने बिना सोचे समझे सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पे इस लॉकडाउन में एंट्री की और उसके बाद उसी तरह से बिना सोचे समझे जिस तरह से इससे एग्जिट किया है। ये लगता है कि सरकार के पास इस बात को लेकर ना ही कोई प्लानिंग थी कि इस लॉकडाउन में किस तरह से भविष्य की रणनीति तैयार करनी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आज देश में जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल नेगेटिव की तरह जा रहा है। 7 क्वार्टर से लगातार जीडीपी नेगेटिव में जा रहा है। जिस तरह से प्रवासी मजदूर और जो लाखों लाखों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वो पैदल चल रहे हैं और उसको लेकर जब से लॉकडाउन हुआ तब से तमाम विपक्षी पार्टियों ने खासतौर से किसान मजदूर, प्रवासी मजदूर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को लेकर सरकार को तमाम सुझाव दिया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। खासतौर से कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने लगातार सरकार से इस बात का आग्रह किया था कि वो जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो किसान हैं, इन सब लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के तहत उनके खातों में पैसा भेजे, जिस पर सरकार ने नहीं ध्यान दिया। इसी तरह से सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसे आपातकालीन स्थिति में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको भी सरकार कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसकी बैठक बुलाई जा सकती थी, वर्चुअल बैठक बुलाई जा सकती थी, जिस पे सरकार ने तकनीकी आधार पे उसको मना कर दिया, उसकी भी बैठक नहीं हो रही है। साथ ही इस बैठक में एक रिजोल्यूशन भी पास किया गया, जिस तरह से एम्फन साइक्लोन आया है उसको लेकर सभी विपक्षी दलों ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें केंद्र सरकार से ये अपील की गई कि इसको इस साइक्लोन की वजह से खासतौर से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में जो तबाही हुई है उसको लेकर राहत और पुनर्वास का काम तुरंत शुरू करना चाहिए। सरकार, केंद्र सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा इन दोनों राज्यों को मिलनी चाहिए। इसी बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लॉकडाउन का उद्देश्य यही था कि सरकार इस कोरोना महामारी से जो समय था उस समय में सरकार उसको स्प्रेड होने से रोकता और दूसरा इसको लेकर एक स्ट्रेटजी बनाई जाती। लॉकडाउन का उद्देश्य यही था लेकिन सरकार दोनों ही उद्देश्यों को पूरा करते हुए नहीं दिख रही है। ना ही इसके रोकथाम के लिए कोई सही रणनीति तैयार की गई और ना ही तैयारी की गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरह से लॉकडाउन में एंट्री हुई और अब जिस तरह से एग्जिट किया जा रहा है, जबकि कोरोना महामारी और उसके संक्रमण की संख्या लगातार हजारों की संख्या में रोज बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि सरकार के पास कोई इसको लेकर कोई रोड मैप नहीं है। एक बार फिर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार को तुरंत एमएसएमई सेक्टर, किसान, प्रवासी मजदूर, इन लोगों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि 7,500 रुपये तुरंत इनके अकाउंट में डालना चाहिए, इसमें सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। इसी बैठक में दूसरे राजनीतिक दलों के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने भी अपनी अपनी तरफ से सरकार से आग्रह किया। लगातार सरकार को जो सुझाव दिए जा रहे हैं सरकार उन सुझावों को दरकिनार कर रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है और कोरोना महामारी को लेकर ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों का ये कहना था कि सरकार के पास न लॉकडाउन करने से पहले और न लॉकडाउन से अब निकलने के लिए कोई ठोस रणनीति है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।